नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा नवी के गणित भाग दो में प्रश्न संग्रह 3.5 करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.5। ये है प्रश्न संग्रह 3.5। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज एल एम एन तो उनके सर्वांगसम संगत कोणों के नाम लिखिए, संगत भुजाओं के अनुपात भी लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कच्ची आकृति बनाएंगे एक्स वाई जेड और एल एम एन ये समरूप है तो इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। तो इसका नाम दे दो, देखोगे यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा जेड। जब यहां से एक्स वाई जेड चालू करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एल एम और एन, ये हमको समरूप बोला गया है और उसका संगत कोणों के नाम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज एल एम एन के। क्या बोला गया, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण लिखना है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। इसमें कौन कौन सा आएगा, संगत कोण में कोण एक्स सर्वांगसम, देखो कि कोण एक्स किसके सर्वांगसम होगा, कोण एल के सर्वांगसम होगा, यहाँ पे लिखोगे कोण एल। उसके बाद में कोण वाई सर्वांगसम, कोण क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। देखोगे ये वाई वाला जो कोण होगा वो यम के सर्वांगसम होगा और कोण जेड जो है वो कोण एन के सर्वांगसम होगा, यहाँ पे लिखेंगे कोण जेड सर्वांगसम कोण एन। सिर्फ इसमें इतना ही करना है। और हमको क्या बोला गया, संगत भुजाओं के अनुपात भी लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात, इसको अनुपात में लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटे एल एम आएगा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई बटे एल एम बराबर। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे वाई जेड एम एन, यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड बटे एम एन बराबर, ये हो जाएगा जेड एक्स और ये हो जाएगा एन एल, यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स और ये हो जाएगा एन एल। तो कहने का क्या मतलब है, जब हम लोग यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे ना तो वो एल एम आएगा, जिस तरीके से भी लिखेंगे, वाई जेड लिखेंगे तो एम एन, जेड एक्स आएगा तो ये एन एल आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई 4 सेंटीमीटर वाई जेड 6 सेंटीमीटर एक्स जेड 5 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो तो, तथा पी क्यू 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर के शेष भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। हम लोग इसके लिए भी दो त्रिभुज बना लेंगे कच्ची आकृति में। अब क्या बोला गया है, एक्स वाई जेड में एक्स वाई 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एक्स वाई और यहाँ पे जेड और समरूप क्या बोला गया है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो जब यहां से एक्स वाई जेड चालू करेंगे तो ये भी हो जाएगा पी क्यू आर, सेम डायरेक्शन में चालू करना, देखोगे एक्स वाई जेड तो पी क्यू आर इस तरीके से। अब यहाँ पे देखोगे एक्स वाई कितना है, 4 है, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, वाई जेड है 6 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये सब हमको दिया गया है। एक्स जेड कितना है, 5 सेंटीमीटर तो एक्स जेड 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पी क्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर और क्या बोला गया है, शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो, शेष भुजा मतलब पी आर और क्यू आर हमको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया गया, हम लोग वो लिख लेते हैं, एक्स वाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद में वाई जेड दिया गया है 6 सेंटीमीटर, एक्स जेड दिया गया है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर
और पी क्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये हमको दिया गया है। और क्या बोला गया है यहाँ पे देखोगे, ये समरूप पहले से बना करके दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज यक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। जब ये समरूप त्रिभुज रहेगा तो इसकी संगत भुजा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये लिखना पड़ेगा ना समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो यहाँ पे देखोगे क्या बनेगा, यक्स वाई जो है वो क्या बनेगा, पी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे यक्स वाई बटे पी क्यू, इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे वाई जेड बटे क्यू आर, यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड बटे क्यू आर। उसके बाद में क्या बनेगा, जेड एक्स बटे आर पी, यहाँ पे लिखेंगे जेड एक्स बटे आर पी। अब इसका मान रख देते हैं, देखोगे एक्स वाई कितना है, एक्स वाई 4 है, पी क्यू 8 है, बराबर वाई जेड दिया गया है क्या 6 बटे ये क्यू आर हमको निकालना है, बराबर जेड एक्स, जेड एक्स दिया गया, देखोगे एक्स जेड दिया गया तो ये क्या हो जाएगा 5 बटे में ये हो जाएगा आर पी। अब हम इसको एक 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 करके हल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो क्या हल करेंगे हम लोग, 4/8 बराबर 6/ क्यू आर, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा करते तो यह क्या हो जाएगा, 4 × क्यू आर बराबर 6 × 8, इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर 6 × 8, वैसे का वैसे ही लिख लो। अब यहाँ पे देखो कि गुणा 4 हो रहा है, इस सट जाएगा तो भागे 4 हो जाए। तो ये देखो कि ये वाला इससे कट जाएगा, 4 × 8, तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर क्या बचा है, 6 × 2 बचा है, तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर 6 × 12 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो क्यू आर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग 4/8 और 5/ आर पी लेते हैं, तो यहाँ पे पकड़ोगे 4/8 बराबर 5/ आर पी। अब हम लोग इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × आर पी बराबर 5 × 8, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा आर पी बराबर 5 × 8 बटे में, देखोगे ये गुणा 4 हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा बटे 4। अब ये देखोगे ये इससे कट जाएगा, 4 × 8, तो बचेगा क्या हमारे पास, आर पी बराबर 5 × 2, कुछ इस तरीके से बचेगा, इसलिए हो जाएगा आर पी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे आर पी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमको प्रश्न में क्या बोला गया था, शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो, तो इसके उत्तर में बनेगा क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर और आर पी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से हमको निकाल लेना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, समरूप त्रिभुजों की जोड़ी की कच्ची आकृति बनाइए, उन्हें नाम दे, उनके सर्वांगसम कोण समान चिन्हों से दर्शाएं, त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाइयां समानुपात में हो ऐसी संख्या दर्शाइए। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे दो आकृति बना लेंगे, दोनों समरूप त्रिभुज हमको दर्शाना है कच्ची आकृति बना करके। तो हम लोग इस तरीके से दो त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे ए बी सी, ये हो जाएगा हमारा पी क्यू और ये रहा आर। अब हमको क्या बोला गया, उनके सर्वांगसम कोण समान चिन्हों से दर्शाएं, मतलब हम लोग यहाँ पे ये समान चिन्ह बना देते हैं, ये 0 कर दोगे, ये 0, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों कोण सर्वांगसम है। यहाँ पे x कर दो, यहाँ पे भी x कर दो, तो ये दोनों कोण सर्वांगसम हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या कर दो, ये इस तरीके से दर्शा दो जैसे प्रश्न में दर्शाते हैं, और ये इस तरीके से दर्शा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी जो है वो क्यू के बराबर है। अब हमको क्या बताना है, इसका समानुपात में बताना है ना, तो इस ये कर दो 10, तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे ये कर दो 12, तो ये हो जाएगा 6, इसको कर दो 8, तो ये हो जाएगा 4। तो अगर हम लोग इसको देखते देखोगे 5 × 10 6 × 12
चार दुनी आठ, मतलब एक बटे दो का समानुपात में आता है ये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। प्रश्न में सिर्फ इतना ही करना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है दोस्तों। आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 3.5 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.5 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।